यारिन शुक्ला दोस्तों सुबह 7 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं डेली सुबह 7 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। ए करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। बहुत अच्छे। बाकी ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं प्लेटिनम को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी इनको याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। अभी आपको वेनेजुएला की राजधानी बतानी है, तो सभी बताइएगा वेनेजुएला की राजधानी क्या है। हैप्पी नाग पंचमी सभी को। क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए, वेनेजुएला की राजधानी बताइए क्या है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुद्रा पूछ सकते हैं, करेंसी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बोलीवर। क्या बोलीवर वेनेजुएला की करेंसी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकस। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है वेनेजुएला। और अगर पूछा जाए करेंसी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा बोलीवर वेनेजुएला की करेंसी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य मुख्यतः कहाँ संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, जो कारागम है धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर इस प्रकार से है, फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा गया है, फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? तो बी करेक्ट आंसर होगा, बास्केटबॉल से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो शब्द। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव इस प्रकार से है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसका एक प्राकृतिक आवास है? क्या पूछा गया है, जो राजा जी नेशनल पार्क है किसका प्राकृतिक आवास है, यह पूछा गया है। अब देखिएगा, अगर पूछना है परीक्षा में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इस प्रकार से है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी मुख्यतः किस देश में, इनमें से? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, बताइए जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है निम्न में से मुख्यतः किस देश में है? इंग्लैंड, इक्वाडोर, अमेरिका या फिर जापान में? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जापान, अमेरिका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इक्वाडोर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी मुख्यतः इक्वाडोर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आंसर करिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, क्या पूछा गया है, जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा 1957 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, शुरुआत की गई थी 1957 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, बताइए निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, कॉफी,
चाय, काजू, मोटे अनाज, इसमें आपको बताना है कौन सी बागान फसल नहीं है। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। डी करेक्ट आंसर होगा मोटे अनाज। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो मोटे अनाज या बागान फसल नहीं होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी कॉफी, काजू, चाय, ये सभी बागान फसलें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में, क्या पूछा गया है? भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में, 1988 में हुई थी भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, गायत्री मंत्र का उल्लेख बताइए निम्न में से किसमें है? सब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या पूछा गया है? निम्न में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो ए करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर पूछा जाए ऋग्वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार की? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रंगोली महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है? मुख्यतः कहाँ संबंधित है गढ़वाली? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात से? तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए गढ़वाली पूछा गया है कहाँ का फोक डांस है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का। यस, उत्तराखंड से संबंधित है मुख्यतः गढ़वाली, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 में अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, सरदार पटेल ने। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है जिंक सल्फेट का प्रयोग? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। साइंस से संबंधित प्रश्न है, परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस से संबंधित पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, तो आप लोग याद रखिएगा ZnSO4। सभी याद रखिएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। अभी आपको बताना है प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है प्रयोग? ए करेक्ट आंसर होगा, कवक नाशी के रूप में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कवक नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। केमिकल फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, इसे याद रखिएगा ZnSO4। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए, बताइए रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है? इनमें से प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या फिर इन सभी में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए।
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी में। यस डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इन सभी में बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा, सुकुमार सेन। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। बताइए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर मुंबई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई को कहा जाता है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कई बार मैंने आपको बताया भी है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन नंबर भी, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो कोयम्बटूर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है अहमदाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, से भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे। मराठा साम्राज्य के आपको अंतिम पेशवा बताने हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है, 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था रायगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजीराव द्वितीय। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, पेशवाई को समाप्त कब किया गया था। समाप्त कब किया गया था, 1818 में। 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अंतिम पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। सभी इसका आंसर करिएगा, गुड मॉर्निंग। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। सी करेक्ट आंसर होगा, सीएनजी से। सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, तब आप लोग याद रखिएगा, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तो सी करेक्ट आंसर होगा, अयंगर। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अयंगर भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए, अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं। सभी जल्दी से बताइएगा, अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा, विटीकल्चर। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विटीकल्चर कहते हैं अंगूर के उत्पादन को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। चंबल यमुना सहायक नदी है। अगर पूछा जाए चंबल किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग याद रखिएगा यमुना सहायक नदी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, राजस्थान का कोटा, राजस्थान का जो कोटा शहर है किस नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग याद रखिएगा, चंबल नदी के किनारे बसा है। अभी आपको बताना है, जो चंबल नदी है किन राज्यों से होकर बहती है। सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यस 24 के लिए आंसर करिएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। क्या पूछा गया है, अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है किसने शुरू किया था। डी करेक्ट आंसर होगा, तारकनाथ दास ने। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए, बताइए कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कनिष्क आपको बताना है किस वंश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुषाण वंश से। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम कुषाण वंश की बात करें तो परीक्षा में पूछा जाएगा कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, आप लोग तो याद रखिएगा कुजुल कटकशेष ने, किसने, कुजुल कटकशेष ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश की दो राजधानियां थी, पहली राजधानी कौन थी तो आप लोग तो याद रखिएगा पेशावर, प्राचीन नाम पुरुषपुर है, वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में, पेशावर कुषाण वंश की पहली राजधानी थी। और दूसरी राजधानी कुषाण वंश की थी मथुरा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, तो इनको आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए, बताइए केल्विन क्या मापने की इकाई है, सभी जल्दी से आंसर करिए, केल्विन क्या मापने की इकाई है, तापमान, घनत्व, आयतन या फिर भार। ए करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, टेम्परेचर मापने की इकाई है केल्विन। 27 के लिए आंसर करिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून, लखनऊ, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में, यस बी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए, बताइए यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, निम्न में से किस देश को यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का मरीज कहते हैं, स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की या फिर नॉर्वे, तो सी करेक्ट आंसर होगा तुर्की को, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन को समझिएगा, कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे, उसके बाद साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सा वर्ष था वह। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा 2016, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, अभी आपको बताना है अष्ट दिग्गज कौन थे इनके दरबार में। बी करेक्ट आंसर होगा आठ तेलुगु कवि, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आठ तेलुगु कवि थे जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था कृष्ण राय देव के दरबार में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा, आपको बताना है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, जो मुद्रा मौर्य साम्राज्य में चलती थी उसे क्या कहते थे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कई बार मैंने आपको बताया भी है, बृहद्रथ अंतिम शासक थे मौर्य साम्राज्य के। ए करेक्ट आंसर होगा पढ़ कहा जाता था, क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पढ़ कहलाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए लूसी बोली मुक्ता निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है, जो लूसी बोली है मुक्ता निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है, सी करेक्ट आंसर होगा मिजोरम, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मिजोरम में बोली जाती है मुक्ता इनमें से लूसी बोली, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है, माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, साइंस से संबंधित प्रश्न है, माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड है, कॉपर, टिन, आयरन या फिर एल्यूमिनियम के, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, डी करेक्ट आंसर होगा इसका एल्यूमिनियम के, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं माणिक और नीलम, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए दमिश्कस कहाँ की राजधानी है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, दमिश्कस आपको बतानी है कहाँ की राजधानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सीरिया की, यस ए करेक्ट आंसर होगा, सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 35 के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, सी करेक्ट आंसर होगा बी एन राव, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे विदेश मंत्री थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 36 के लिए आंसर करिए, बताइए मानव का रक्त का आपका जो पीएच मान है कैसा होता है, अगर पूछा जाए पीएच वैल्यू कितनी होती है मानव रक्त की, तो आप लोग याद रखिएगा लगभग
7.4 7.4 होती है लगभग पीएच वैल्यू मानव रक्त की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थोड़ा क्षारीय होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा क्षारीय होता है क्योंकि 7.4 पीएच वैल्यू है मानव रक्त की। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वेट, वाइट, रिकॉर्ड या फिर फाइल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा बिट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बिट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए, बताइए इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। आपको बताना है प्रख्यात निवासी इब्न बतूता कहाँ का था। डी करेक्ट आंसर होगा मोरक्को का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके दरबार में भारत आया था। तो आप लोग याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। कब भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, क्लोरीन की खोज किसने की थी? क्या पूछा गया है? क्लोरीन की खोज किसने की थी? सीले ने, सीले ने क्लोरीन की खोज की थी। 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए, बताइए भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है। क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है? ए करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में होता है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए, बताइए श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। क्या पूछा गया है? श्रीनगर किस नदी के किनारे है, सिंधु, झेलम, चिनाब या फिर रावी। बी करेक्ट आंसर होगा झेलम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, झेलम नदी के तट पर बसा है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, झेलम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से है, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादित करता है, रक्त का उत्पादन करता है शरीर का कौन सा अंग। तो बी करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 के आंसर करिएगा, बताइए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यह भी बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 के आंसर करिएगा, बताइए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। बी करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए, बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगर पूछा जाए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। अभी आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। सी करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 45 के लिए आंसर करिए, बताइए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आपको बताना है हीरा, डायमंड, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए, बताइए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए, बताइए लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल नेम बताना है, अगर केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं तो आप लोग याद रखिएगा N2O केमिकल फॉर्मूला है। गुड मॉर्निंग, और केमिकल नेम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिए, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चार ऑप्शंस को पढ़िएगा, बताइए बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने में। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिए, बताइए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे हैं जिनको रहमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। एशियाई नोबल के नाम से भी जाना जाता है रहमन मैग्सेसे पुरस्कार को। डी करेक्ट आंसर होगा, फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए, बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 अप्रैल को मनाते हैं।
मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्न में से किस राज्य में है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तलातल घर स्मारक कहां पर है, क्या करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, असम में है तलातल घर स्मारक। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, असम करेक्ट आंसर होगा। गाय है रोड पर। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, इनमें से किसे पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए सी करेक्ट आंसर होगा, ग्रेफाइट को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सड़क पर है, अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए कड़वास उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, बुलंदशहर में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, बुलंदशहर में कड़वास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ए करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिए, बताइए जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय बताना है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो सी करेक्ट आंसर होगा, क्लीमेंट एटली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्लीमेंट एटली उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा, यस राम कुमारी, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए मोटर वाहन की बैटरियों में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, क्या पूछा गया है? मोटर वाहन की बैटरियों में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? डी करेक्ट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है मोटर वाहन की बैटरियों में। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिए, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। 57 है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 58 के लिए आंसर करिए, अभी यह क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, रिपीट क्वेश्चन है। बी एन राव करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिए, बताइए पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कितना अंतर होना चाहिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, सी करेक्ट आंसर होगा, कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में लगता है? जो गंगा सागर मेला है प्रतिवर्ष किस राज्य में लगता है? तो सी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में। सी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में लगता है गंगा सागर मेला। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी अभी 10 बजे रीडिंग की क्लास होगी, सभी लोग उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।